अतुल जी का, सुजलॉन है इनके पास 200 शेयर्स, 48 पर इन्होंने लिया हुआ है, थोड़ा ऊपरी स्तर पर है, 50 रुपये तो स्टॉक का 52 वीक हाई ही है, उसके पास ही इन्होंने ले लिया है। स्टॉक आज भी ऊपर है करीब 3% और इनकी खरीदारी के पास ही कारोबार कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से कितनी तेजी आएगी ये समझना होगा एक्सपर्ट से। नितलेश जी क्या सजेस्ट करेंगे सुजलॉन में और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? शॉर्ट टर्म निवेशक को तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा राइज हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर नीचे में कुछ डीप मिलता है 36-38, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके चल सकते हैं 36-35 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। तो आज जो भी उछाल मिलेगा वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था 50-47, वहां पे अगर कंसोलिडेशन के बाद उसने ब्रेक डाउन किया है तो ये मेरे हिसाब से टेस्ट के लिए जा रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को जो भी कुछ है वो बुक कर सकते। सुजलॉन को लेकर ये व्यू दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता। बात करें तो सुजलॉन के अंदर देखिए बिजनेस मॉडल जो है पूरा चेंज हो रहा है और सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस जो है वो एन्युटी बेस्ड बिजनेस जो है वो कंपनी फोकस कर रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में काफ़ी रनअप आ चुका है, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नतीजे शॉर्ट टर्म के व्यू से आपने अगर लिया है तो मेरा मानना है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर रह सकता है, बट अगर आने वाले 3 साल की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर जैसे रिन्यूएबल के ऊपर हम लोग बुलिश है, मुझे लग रहा है कि सुजलॉन के अंदर भी एक यहाँ से एक अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से है तो एग्जिट कर दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से है तो आप होल्ड कर सकते हैं। येस बैंक के अंदर आपको एग्जिट किराया है।